नमस्कार, मैं स्वाति दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। जी हां, खबर है यूपी के जनपद संभल के कोतवाली चंदौसी थाना अंतर्गत गांव नेहटा के समीप जनपद अमरोहा से गैंगस्टर एक्ट में वंचित 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को चंदौसी पुलिस ने चंदौसी के समीप गांव नेहटा में चेकिंग के दौरान 7 बजे के समय मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश निकल रहे थे। पुलिस के रोकने पर एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस ने मुठभेड़ किया। गिरफ्तार तथा अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र, मैं जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय संभल में पुलिस फोर्स के स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए चंदौसी से हेमंत चौधरी की यह रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर पुलिस और बदमाशी ने क्या कहना था? थाना चंदौसी के अंतर्गत ये नेहटा रोड के पास में एक स्थान पर जहाँ एसएचओ चंदौसी द्वारा चेकिंग की जा रही थी तथा ये दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर थे, ये वहाँ पर फायरिंग करते हुए भागे। जब इनका पीछा करने के बाद इनको यहाँ रोका गया तो इन्होंने एक फायर और किया। जवाबी कार्रवाई में जो एक बदमाश है प्रदीप कुमार, इसके पैर में गोली लगी है। बाद में जानकारी में पता चला कि ये 10,000 रुपये का इनामी थाना अमरोहा देहात से है, जहाँ पर ये चोरी और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमों में वांछित चल रहा था। गैंगस्टर एक्ट भी इसके ऊपर लगा हुआ है, उसमें भी ये वांछित था। इसके पश्चात इसकी जो जानकारी की गई है उसमें ये पता चला है ये चोरी की बाइक पर यहाँ पर जा रहे थे और इनके पास से एक 315 बोर असला बरामद हुआ है, साथ में 5 जिंदा कारतूस और एक खाली गोला भी यहाँ से बरामद हुआ है। जो एक फरार हो गया है और उसके साथ में एक हमारे कांस्टेबल के भी चोट लगी है, तो जो कांस्टेबल और इस अपराधी को दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां इनका आगे की कार्रवाई।